Hello everyone, welcome to our channel CMA Hub. So in this video we will discuss how to download ICMAI student card or member card from DigiLocker website. Watch this video till end. DigiLocker की website खोलने के लिए आपको Google Chrome पर जाना है और लिख देना है digilocker.com. उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, साइन इन और साइन अप। अब जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है आपको सिंपली साइन इन करना है अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड का नंबर और जो आपने पिन सेट किया हुआ है उसके द्वारा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप साइन अप करके बहुत ही इजी प्रोसेस है अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपने सिंपली अपना ओटीपी फिल कर देना है और उसके बाद हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। अब वैसे तो ये प्रोसीजर हम डिजीलॉकर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है जहाँ से आईडी कार्ड डिजीलॉकर के ऐप से डाउनलोड नहीं हो पा रहा, इसलिए हम इसकी वेबसाइट से ही डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर कॉर्नर पर मेरी फोटो आ रही होगी जिससे आपको पता लग चुका है कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके सर्च डॉक्यूमेंट्स पर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। खाली आप कॉस्ट लिख दीजिए, उसके अंदर ही आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आईडी कार्ड एंड स्टूडेंट कार्ड, और सामने लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं स्टूडेंट कार्ड पर क्लिक करता हूँ बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। तो मैंने अपना नाम फिल किया, डेट ऑफ बर्थ फिल किया और सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके हम अपना स्टूडेंट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आई प्रोवाइड माई कंसेंट पर टिक करते हैं और गेट डॉक्यूमेंट पर करते हैं। अब एक ऑप्शन आ रहा है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम इशुअर। इसका मतलब यह है कि जब तक ICMAI इशू नहीं करेगा आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको एक दिन या मे बी दो दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर टू डेज आई हैव अगेन लॉग इन इनटू माय अकाउंट एट DigiLocker वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं इशूड डॉक्यूमेंट्स पर जाऊंगा तो यू कैन सी ICMAI हैज फाइनली इशूड मी माई स्टूडेंट कार्ड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जिन लोगों ने ICMAI स्टूडेंट कार्ड की जगह ICMAI मेंबरशिप कार्ड डाउनलोड करना था तो उसका भी सेम प्रोसीजर ही रहेगा, सिंपली आपको स्टूडेंट कार्ड की जगह मेंबरशिप कार्ड पर क्लिक करना था। अब यहाँ पर हमारे सामने एक लिंक आ चुका है तो आपको करना क्या है, इस लिंक पर ओपन पर क्लिक करना है और हमारी PDF फाइल फॉर हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगी। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो PDF फाइल आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस पर मेरा नेम, वैलिडिटी, आइडेंटिफिकेशन नंबर सब कुछ आ चुका है। So that's how you can download your ICMAI student card from DigiLocker. अगर डाउनलोड करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें इंस्टा पर DM कर सकते हैं। Don't forget to share this video with your friends. Thank you so much.